आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 11 लाख परिवारों को सीएम योगी ने सौंपी डिजिटली घरौनी, कहा अगस्त तक सभी 1,10,000 राजस्व गांवों का पूरा हो जाएगा सर्वे, अक्टूबर 23 तक हर ग्रामीण परिवार को दे दिया जाएगा ग्रामीण आवासीय अभिलेख, राजस्व और रजिस्ट्री विभाग मिलकर रोके फर्जी बैनामे, फ्रॉड करने वालों को पुलिस को सौंपे, 6 साल बाद नहीं बैनामे के साथ खतौनी में दर्ज किया जाए खरीदने वाले का नाम, 5 साल में माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा की अध्यक्षता में चिड़ताल थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन, फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए निर्देश। फर्जी व्यक्ति बनकर दूसरे की जमीन की रजिस्ट्री व दूसरे के खाते से पैसा निकालने वाले एक अभियुक्त अवनीश कुमार श्रीवास्तव को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। कौशल विकास मिशन के तहत 2022 व 23 का प्रदेश सरकार ने जिले में छात्रों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य किया निर्धारित, सीडीओ ने कहा 3,200 छात्रों को अलग अलग कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट के माध्यम से जॉब करवाया जाएगा उपलब्ध। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मृति में 23 जून से 6 जुलाई तक चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया वृक्षारोपण। विकास कार्यों की सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने एडीओ व बीडीओ के साथ की समीक्षा बैठक, शासन की कल्याणकारी योजनाओं का नागरिकों को लाभ दिलाने के दिए निर्देश। एसपी सिटी व एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गोरखनाथ थाने पर थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन, कहा थाना समाधान दिवस में 5 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बाकियों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिया गया है निर्देश। उन्नीस मई को भटट ब्लॉक में तैनात सफाई कर्मी सनोज कुमार की तबीयत खराब होने से हुई थी मृत्यु, डीपीआरओ हिमांशु शेखर ठाकुर ने मृतक की पत्नी जंतिरा देवी को मृतक आश्रित कोटे से सौंपा नियुक्ति पत्र। गुरु श्री गोरक्षनाथ रक्त कोष एवं एयरफोर्स हॉस्पिटल के तत्वावधान में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, कहा रक्तदान है महादान, एक रक्तदान है एक यज्ञ के समान। और नवीन महवा मंडी में हुए अतिक्रमण को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने व्यापारियों के साथ की बैठक, एक हफ्ते के अंदर अतिक्रमण को खाली करने के दिए निर्देश।